نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقده <applause> من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتنبم بالخير وبك نستعين يا فتا اللهم فقهنا في الدين अल्हम्दुलिल्लाह तो कल का टॉपिक भूल गए या याद है थोड़ा बहुत याद है कल का टॉपिक चले रिवीजन कर लेते हैं कल के टॉपिक की बहुत इजी टॉपिक था कल का मुश्किल नहीं था चले बिस्मिल्ल रनिम पहले तो हम क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं इस्म ठीक है कलीमा जो भी हम बोलते हैं वो क्या होता है कलीमा होता है और उसकी थ्री तीन फॉर्म होती है क्या क्या होता है इस्म यानी नाउन दूसरा क्या होता है जल्दी बताएं, दूसरा क्या होता है फेल यानी वर्ब और थर्ड क्या होता है हर्फ ठीक है जिसे प्रिपोजिशन भी कहते हैं तो हम उसमें से क्या पढ़ रहे हैं पहला इसम पढ़ रहे हैं नाउन इसम में इसम क्या क्या होता है किसी भी इंसान का नाम किसी भी चीजों, किसी भी चीज का नाम लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग्स उनके नाम सब क्या होते हैं ये नाउन में आते हैं इसी तरह हमारे ख्याल हमारे एडवर्ब्स हमारे प्रोनाउंस हमारे एडजेक्टिव एंड uh, ये सब क्या कहलाते हैं नाउन नाउन में आते हैं ठीक है और नाउन में हमने नाउन यानी इसम उसमें हमने क्या क्या पढ़ना है चार चीजें एक तो कैपेसिटी स्टेटस यानी एराब और कैपेसिटी uh, यानी वसत, वसत, एराब थर्ड जेंडर फोर्थ अदद जो भी कलीमा होता है इसम में जो भी कलीमा हम बनाएंगे उसके अंदर ये चारों चीजें जरूर होंगी इन चारों चीजों को मिलाकर एक सेंटेंस बनता है इसम का ठीक है इनशाला वो हम धीरे धीरे सीख रहे हैं तो आज हमने आ, कल हमने क्या देखा जेंडर देखा जेंडर में हमने जेंडर में हमें क्या पढ़ना है दो तरह के मुजक्कर एंड मोनस फेमिनाइन एंड मेस्क्यूलिन तो उसमें दो तरह के होते हैं ये कौन कौन से मोनस पढ़ना है फेमिनाइन पढ़ना है इसके अंदर टू दो तरह के होते हैं कौन कौन से होते हैं याद है किसी को जल्दी से चैट पे लिख के बताए यस हकीकी एंड गैर हकीकी जिसको हम क्या कहते हैं रियल हकीकी को रियल मोनस यानी रियल फेमीनाइन और गैरहकी को फेक रियल किस किस को कहते हैं रियल में कौन कौन आता है जो असल में मोनस होते हैं असल में जो फीमेल होते हैं उसको हम कहते हैं रियल यानी हकीकी उसमें कौन कौन से आते हैं यस yes, जैसे माँ बहन खाला ताई चाची बेटी पुप्पी ठीक है दादी नानी ये सब क्या होते हैं हकीकी रियल फेमिनाइन रियल मोनस ठीक है और गैर हकीकी कौन कौन से होते हैं गैर हकीकी होते हैं जो कि असल में मोहनस नहीं होते असल में फीमेल नहीं होते लेकिन हमें वो हम उनको फीमेल कंसीडर करते हैं ठीक है वो फेक होते हैं और इसमें कौन कौन से होते हैं दो तरह के एक अलामती और एक समाई मोहनस अलामती कौन से होते हैं फेमिनाइन विद सफिक्स तो यानी जिस जिसकी अलामत होती है और समाई जिसको अरब मोनस बोलते हैं ठीक है अब अरब्स लोग तो अरब्स तो बहुत सारों को बोलते हैं ठीक है बहुत सारों को बोलते हैं अब लेकिन जो ग्रामर वाले होते हैं हमारे होते हैं उन्होंने रिसर्च करी और रिसर्च करने के बाद कुछ ग्रुप्स बता दिए कि ये ये ग्रुप्स जो है इन ग्रुप्स को आ, सब ये अरब जो है वो फीमेल बोलते हैं यानी उनको फीमेल कंसीडर करते हैं तो पहले देखेंगे अलामती अलामत क्या क्या है उनकी जिसके आखिर में या हो अलिफ मकसूरा के साथ अलिफ हमजा हो और ता हो सबसे ज्यादा पहचान जो होती है बहुत ज्यादा जो आती है वो गोलता होती है ताय मरतबूता ठीक है ये सबसे बड़ी अलामत होती है किसकी फीमेल की जो गोलता होती है और समाई मोनस जो होती है समाई मोनस जो है वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं जैसे हवाओं के नाम अरब फीमेल बोल फीमेल के सीगे यूज करते हैं इनके साथ शराब के नाम आग के नाम बॉडी पार्ट जो 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 दो दो होते हैं विचारिन कपल और मुता्रिकमा जैसे शम्स नफ्स अर्द, दार, असा हर्ब समा ठीक है इसके अलावा कुछ और भी होते हैं जो हमें प्रैक्टिस से धीरे धीरे आ जाते हैं ठीक है ज्यादातर हमको हमें सिर्फ ये लिस्ट याद होनी चाहिए इसके अंदर रखकर हमें देखना है ठीक है इनकी प्रैक्टिस हमने कल करी थी इन माशाला से अब मैं आपको जो मोन्नस होता है फीमेल फेमिनाइन जो होता है उसके अंदर यानी जो मैंने बताया था ना आपको गोल था गोल ता इतनी जबरदस्त और इतनी बड़ी पहचान होती है कि जब भी हमें कोई भी वर्ड फीमेल बनाना हो तो उसके लिए हम आखिर में गोल ता लगा देते हैं ठीक है मुजक्कर से मोनस बनाने के लिए मुजक्कर इसम के आखिरी हरफ पथा यानि जबर देकर ताए मरबूता यानी ता का इजाफा कर देते हैं जैसे हसन है हसन अच्छा ठीक है अगर हम इसको फीमेल बनाना हो तो हम क्या करेंगे कि इसके आखिर में गोल ता ऐड कर देंगे हसना हसना या हसनतुन आखिर में आती है गोलता कभी भी बीच में नहीं आती गोल ता हमेशा आखिर में आती है तो ये क्या बन गया ये एक तरह से ये फीमेल बन गया आज का हमारा नया टॉपिक क्या है एक तो हम आदत पढ़ेंगे और किस तरह हम फीमेल बनाए मोनस बनाने का तरीका ठीक है तो जैसे मुस्लिम है मुस्लिम का हमने फीमेल बनाया क्या बन गया मुस्लिमा, मुस्लिमा तुन या मुस्लिमा, ठीक है गोलता लगा दिया इसी तरह जैसे हाँ, हमारा है ये ठीक है यानी मुस्लिम यानी फर्मा सरेंडर करने वाला और मुस्लिम मुस्लिमा लेडी ठीक है इंसाफ करने वाला आदिल तो इसका अगर हमें फीमेल बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे आदिला क्या बनाएंगे आदिला इसकी मोनस इसी तरह हमें सौ बनाना है सौलिह। तो कैसे बनाएंगे जल्दी से बताएं सो का कैसे फीमेल बनाएंगे आखिर में क्या ऐड कर देंगे गोलता सबसे इजी है यानी इतनी बड़ी पहचान है कि ज्यादातर आपको जो है ये क्या होंगे गोलता आपको ऐड करना है लास्ट में जी सब सबने अच्छा बताया सोली हतुन अली हतुन ठीक है गोलता ऐड कर दिया इसी तरह आप अरबी में टीचर को बोलते हैं उस्ताज उस्ताज तो इसका क्या होगा फीमेल इसका क्या बनाएंगे उस्ताज का फीमेल उस्ताज़ा, ठीक है? उस्ताजा उस्ताज़ा कर देंगे या उस्ता, सॉरी उस्ताज़तुन, आखिर में क्या लगा देंगे गोलता उस्ताज़तुन या उस्ताज़ा बोल देते हैं ठीक है तिफल कहते हैं बच्चे को छोटे बच्चे के लिए तिफ आता है तिफ लुन. बच्ची के लिए क्या बनाएंगे इसका अगर हमें बच्ची बनाना होगा तो कैस क्या बनाएंगे इसका आखिर में क्या ऐड कर देंगे गोलता तिफ और गोलता प्लस ऐसे ऐड कर देंगे तो क्या बन गया ये तिफ लतुन ठीक है बच्ची तिफ लतुन बच्ची समझ आ रहा है आप लोगों को इसी तरह नासिर मदद करने वाला नासिर मदद करने वाला और इसका अगर हमें फीमेल बनाना होगा यानी मदद करने वाली तो क्या बनेगा नासिरा या नासिरतुन नासिरा ठीक है, ये आपका हो गया छोटा सा ही टॉपिक था ये ठीक है और आपकी स्लाइड पर एक और दे रखा है इसके अंदर ये बेसिकली सिर्फ कलर्स नेम है कलर्स नेम कलर्स नेम जो होते हैं कल, कलर्स के नाम यानी मोनस बनाने के लिए अस्मा के शुरू का अलिफ आखिर में अलिफ के साथ लगा दिया जाता है ठीक है अली ममदूदा का इजाफा कर दिया जाता है अब देखें इसमें जैसे अजरख है बेसिकली मैं टॉपिक पढ़ाती नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ जैसे अरबी में जो नाम होते हैं ना वो भी मेल और फीमेल होते हैं कलर्स नेम जैसे ये है आपका ठीक है और अगर आपको इसको करना होगा अब यहाँ पर यहाँ पर आपका आया है अजरक ठीक है तो अज का क्या बन जाएगा जर ब्लू कलर के लिए आता है स्काई ब्लू कलर के लिए अब जैसे इसमें क्या करा जारा काफ है ना ये जारा काफ इसको लिख दिया शुरू वाला जो अलिफ है बस आखिरी के आखिरी में ले आते हैं और आखिरी में अलिफ और हमजा ऐड कर देते हैं वो फीमेल कलर बन जाते हैं सिर्फ कलर्स के नाम के साथ ऐसा होता है सबके साथ ऐसा नहीं होता जैसे अस्वद है ब्लैक कलर के लिए आता है अस्वद तो जब हमें इसको आ, फीमेल बनाना होगा तो हम क्या करेंगे सऊदा उ कर देंगे सऊदा उ कर देंगे अब जैसे ग्रीन कलर के लिए आता है जैसे ग्रीन कलर है अखुदर ठीक है अखदर ग्रीन कलर के लिए आता है तो अब क्या करेंगे शुरू वाला अली फटाकर आखिर में अली और हमजा ऐड कर देंगे बस क्या बन जाएगा ये खद रा ठीक है इस तरह बन जाएगा तो ये जो कलर्स होते हैं तो इनके आखिर में अगर आप देखें अलिफ और हमजा है तो समझ जाए वो फीमेल हैं। बनाने आपको है नहीं बस आप ये समझ लें कि वो फीमेल है ठीक है अगर अलिफ और हमजा है क्योंकि ये पहचान मैंने आपको कल बताई थी बाकी जो हमें फीमेल बनाना होता है तो सबसे बड़ी पहचान गोलता है बस आप वो याद रखेंगे ठीक है बाकी और कोई पहचान जो है वो सिर्फ देख कर आप पता लगा ले अगर बनाना होगा तो अलीफ हमजा हम बनाते नहीं है सिर्फ कलर्स नेम में होता है ऐसा ठीक है बाकी जैसे हसन है तो हसना गोलता बना दिया मुस्लिम है तो आखिरी में मुस, मुस्लिमतुन ठीक है इबाद जैसे आबिद है ठीक है आबिद इबादत करने वाला तो इसका क्या बना देंगे हम आबिदतुन इबादत करने वाली आखिर में क्या ऐड कर देंगे गोलता ऐड कर देंगे ठीक है सिर्फ गोलता ही सबसे बड़ी पहचान है और यही याद रखें आप कि जब किसी को फीमेल बनाना हो तो लास्ट में हम गोलता ऐड कर देंगे ठीक है डबल पेश के साथ ऐड कर देंगे आबिदा या तो जजम ज़ा, लगा देंगे या फिर आबिदतुन कर देंगे ठीक है चले अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर हमारा नेक्स्ट uh, है अदद जेंडर हमारा मुकम्मल हुआ अब हमारा आया है अदद ठीक है अदद किसको कहते हैं नंबर्स को कहते हैं नंबर्स को जैसे हमारा इंग्लिश में होता है वाहिद सिंगुलर ठीक है और प्लूरल यही होता है एक या बहुत सारे ठीक है तो वाहिद लेकिन अरबी में ऐसा नहीं होता अरबी में तीन होते हैं एक तो होता है वाहिद यानी सिंगुलर यूज फॉर ओनली वन ठीक है एक के लिए क्या आता है वाहिद मुसन्ना डुअल के लिए आता है यूज फॉर ओनली टू यानी दो लोगों के लिए मुसन्ना यूज किया जाता है मुसन्ना इन अरेबिक और बहुत सारों के लिए जमा का इस्तेमाल होता है जमा ठीक है यूज फॉर मोर देन टू तो यानी अरब कितने होते हैं अरबी में अदद में कितने होते हैं एक दो और दो से ज्यादा बहुत सारे ठीक है सिंगुलर और प्लूरल और डुअल डुअल भी होता है तो इसके बनाने का और मुसन्ना जो होता है मुसन्ना बनाने का तरीका जो होता है वो चाहे मेल हो या फीमेल हो सबसे पहले हम मुसन्ना देखेंगे हमने वाहिद होता है वाहिद के बाद यानी सिंगुलर के बाद डुअल डल कैसे बनाया जाता है दो लो दो कैसे बनाए जाते हैं हमें ये देखना है ठीक है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अरेबिक में हदीस में भी देखें आप बहुत यूज होता है ये कुरान के अंदर भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल आएंगे है ना और बहुत आसान होता है बहुत इजी टॉपिक ठीक है तो जो मुसन्ना बनाने का तरीका होता है वो एक ही होता है चाहे मेल हो या फीमेल हो ठीक है कोई चीज हो कोई नाउन हो कोई भी कोई भी नाउन हो एक ही तरीका होता है और मुसन्ना यानी जो होता है मुसन्ना बनाने के अमल को तस्निया कहते हैं तस्निया यानी अगर हम एक से दो बनाएंगे तो उस तरीके को क्या कहा जाएगा तस्निया कहा जाएगा यहां पर ये यह मेंशन है ठीक है कैसे बनेगा देखें सबसे आसान तरीका है मुसन्ना बनाने का जो जैसे आपका यहां लिखा है मुस्लिम मुस्लिम लिखा है तो यानी एक मुस्लिम अगर आपको बनाने होंगे दो मुस्लिम तो प्लस क्या ऐड कर देंगे आप अलिफ नून और उसके नीचे क्या जेर ठीक है अलिफ नून यानी पहले तो आप मीम पर जबर कर देंगे और फिर अलिफ नून और उसके साथ जेर कैसे बन जाएगा ये कैसे बन जाएगा मुसली मानी, मानी जो ये यहां पर दे रखा है दो मुसलमान ठीक है दो मुसलमान डुअल यानी मुसन्ना बनाने का तरीका कैसे होता है अब जैसे ही मैंने लिखा है किताब किताब क्या होती है एक किताब ठीक है अब मुझे दो किताबें करनी है तो मैं क्या करूंगी दो किताबें करने के लिए पहले मैं जबर ऐड कर दूंगी जबर लगा दूंगी इस पे और फिर प्लस अलिफ नून और नून के नीचे ज़ेर, नून के नीचे ज़ेर, तो क्या बन गया ये किताबानी, किताबानी, दो किताबें अच्छा आप कुरान में सोचेंगे कि हम पढ़ते हैं तो बईनी और आईनी वाली साउंड भी आती है वो साउंड इंशाल्लाह जब हम अरब में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे वो वाला ठीक है अभी जो मेन है वो क्या किताब किताबानी ठीक है यानी दो किताबे इसी तरह जन्नत है जन्नतुन तो अब मुझे जो दो जन्नते बोलनी है तो क्या बोलेंगे दो जन्नतों के लिए क्या आएगा जल्दी बताएं दो जन्नतों के लिए क्या आएगा दो जन्नते जन तानी अब ये जो गोल ता होती है ना ये आखिर में लगती है बीच में आकर ये सिंपल ता बन जाती है हाफ ता जो होती है गोल ता हमेशा आखिर में गोल रहेगी बिल्कुल लास्ट में अगर उसको बीच में लाना हो तो फिर वो सिंपल ता बन जाएगी क्या हो जाएगा जन्नतानी समझ गए जन्नतानी अब सोले एक सोले आदमी अब मुझे दो बनाने हैं सोले आदमी तो क्या बनाऊंगी मैं दो आदमी बनाने हैं तो सॉलीहानी सॉली हानी आ रहा है समझ सोली हानी अब मुझे अब ये सौली हतुन है फीमेल फीमेल बनाया मैंने इसका सौली हतुन। एक सौले औरत। अब मुझे इसका सॉली बनाना यानी दो सौले औरत उसके लिए क्या बनाऊंगी मैं क्या होगा उसके लिए सौले हतानी, सौली हतानी, ठीक है सौली हतानी बन गया यानी दो सौले औरत अब जैसे जन्नत के लिए कुरान में भी आपके लिए आपको ये जन्नत का लफ्ज मिलेगा जैसे जन्नत है जन्नतानी सुरे सुरे रहमान में आएगा सुरे रहमान और आयत नंबर फोर्टी सिक्स में आएगा के वली मन खाफा मकौम ही जन्नतानी जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया उसके लिए क्या है जन्नतानी उसके लिए दो जन्नतें हैं समझे इसी तरह देखें खुतबा है खुतबा खुद बतुन खुतबा इस ये अरबी ये असल वर्ड है खुतबा खुतबतुन तो इसका मतलब क्या है कि खुतबा अरबी में मोनस है फीमेल है फेमिनाइन है खुतबतुन क्योंकि ये खुतबतुन होता है तो इस जो दो खुतबे होंगे उसके लिए क्या आएगा हम इसको खुतबाह कहते हैं खुतबाह खुतबतुन तो खुद बतानी एग्जैक्टली exactly. इसपे क्या ऐड लगा कर देंगे आप आनी ऐड कर देंगे खुद बतानी यानी दो खुतबे अब देखें क्या है ये कली मतानी कली मतानी क्या है दो कलमे कलीमता किसको कहते हैं कलीमा एक कलमा कली मतानी दो कलमे कली मतानी यानी दो कल में ये क्या है हबीबानी ठीक है हबीब तानी होगा होता है इसका हबीब तानी हबीब तानी ठीक है हबीब किसको हबीबा किसको कहते हैं क्योंकि ये कलीमा तानी है ना कलीमा फीमेल है तो फीमेल के साथ फीमेल ही लाया जाता है सीगा तो इसमें क्या लाया जाएगा हबीबतानी देखें अब क्या बन गया ये हबीबतानी यानी दो कलमे पसंदीदा हैं दो कलमे महबूब हैं हबीब वैसे अच्छे दोस्त के लिए आता है महबूब दोस्त के लिए भी आता है ठीक है दो कलमे हबीबानी महबूब है इला इला मतलब तरफ इला रहमानी रहमान की तरफ इला रहमान रहमानी कर दीजिए इसको आप आगे तो इला रहमान रहमान की तरफ ठीक है तो इसमें क्या है आनी आनी वाले हैं रहमान रह्मा, की तरफ अब फिर देखें खफी फानी खफी फतानी खफीफ पहले आनी की आवाज निकाल दें ठीक है और ता निकाल दें खफीफ बन गया खफीफ किसको कहते हैं हल्के को तो खफी फतानी हल्के हैं खफी फतानी हलके हैं ठीक है अल लिसान अला मतलब ऊपर लिसान जबान पर हल्के हैं जबान पर ठीक है आनी आनी की के एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं ये फिर क्या आता है लतानी तानी तकील तानी सकील सकील कहते हैं हैवी को सकील लतानी दोनों भारी हैं सकीलतानी डुअल का सीगा है दोनों भारी हैं सकीलतानी ठीक है सकील फिल मीजान फिल मीजान ठीक किस है किसमें भारी हैं यानी हैवी हैं इस मीजान में यानी स्केल में ठीक है ये हदीस आपने सुनी होगी और क्या है वो दो कल में वो दो कल में कौन कौन से हैं सुबहान वबी बबी ही, ठीक है ये तो सबको आते हैं सुबहानल्ला वबी हमदी ही सुबहान अल्लाह अल्लाह सुबहान्लाही वबी सुबहान सुबहान्लाहिल अजीम ठीक है तो या, ये हदीस देखें आ, इस तरह की हदीस भी आपको मिलती है मैंने सोचा एक रेफरेंस आपको दे दूं डोअल डोल का इसके अंदर क्या है कलीम तानी दो कलमे हबीबतानी दोनों महबूब कलमे खफी फानी दोनों हल्के कलमे शकील अतानी दोनों हैवी हैवी है, हैवी वो कलीमात फिल्मीजानी मीजान में और वो कौन से सुबहान अल्ला हमदी ही अल्लाह लजीम अलहदुल्ल देखें एक हदीस भी आपको याद हो गई बैठे बैठे डुअल का सी डुअल के सीगे सुनने से है ना तो एग्जाम्पल में आपको बेसिकली किसका दे रही थी डुअल का अब मुझे बताएं कि इसके अंदर आपको कोई परेशानी समझ में आ गया आपको डुअल कैसे बनाना है समझ में आ गया दो कैसे बनाने तिफल तिफल है तिफल का कैसे बनाएंगे आप तिफल का बताएं कैसे बनाएंगे दो बच्चे जी तिफलानी ठीक है उस्ताद उस्ताज है आपका उस्ताज यानी एक उस्ताज तो अब आपको इसका जो है दो बनाने हैं तो आप कैसे बनाएंगे उस्ताजुन है तो दो बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे दो उस्ताज उस्ताजानी ठीक है इसी तरह आपका आ, आता है अम्म नासिर दो मदद करने वाले नासिरानी नासिरा है तो दो मदद करने वालियाँ ना सिर दो मदद करने वाली नासिरा तुन तो क्या बन गई ना ठीक है समझ में आया आपको ठीक है इनशाला अगले हफ्ते हम इसका प्लूरल देखेंगे अभी इस वाले टॉपिक को इतना ही रहने देते हैं अगले हफ्ते हम हमने जैसे आज दो देख लिए कि फीमेल कैसे बनाते हैं फेमिनाइन कैसे बनाते हैं आखिर में गोलता ऐड करते हैं और जब हमने डुअल बनाना हो तो डुअल कैसे बनाते हैं जब हमें आनी 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 वाली साउंड हमें सुनाई दे तो तब हम डुअल बनाते हैं ठीक है तो ये हमारे दो हो गए दो ठीक है तो कुछ क्या किसी ने लिखा है मैम स्लो में क्या फास्ट जा रही हूं मैंने तो बहुत ज्यादा स्लो बताया है ये वाला टॉपिक दोनों टॉपिक मैंने इतने सारे एग्जाम्पल के साथ स्लो बताए तो आप लोगों को फास्ट लग रहा है क्या मुझे बताएं आप लोगों को फास्ट लग रहा है क्या क्योंकि अलहमदुल्ल मैं तो कोशिश कर रही हूं कि बहुत ज्यादा स्लो बताऊं और मैंने बहुत स्लो स्लो बताया आप लोगों को और अ, सिर्फ कुछ नहीं था एक गोलता वाला था कि अगर आपको अ, फीमेल बनाना हो तो आखिर में गोलता ऐड कर देंगे और डोअल बनाना हो बस हमने ये टॉपिक आज करे ठीक है मुस्लिम है इसका हमें फीमेल बनाना हो तो हम क्या बनाएंगे मुस्लिमतुन, ठीक है मुस्लिमतुन, और अगर हमें इसका डुअल बनाना हो एक मुस्लिम है तो हम क्या बना देंगे मुस्ली मत मुसलीमानी ठीक है आनी वाली साउंड ऐड कर देंगे मुस्लिमानी दो मुसलमान ठीक है वैसे तो मैं सोच रही थी जमा कभी आज थोड़ा सा करा दूं लेकिन कोई बात नहीं वो हम अगले हफ्ते करेंगे क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको लगेगा कि सब मिक्स हो गया इसलिए थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे इन चलें जमा जो है वो थोड़ी सी मैं एक ही दिन में वो वाला टॉपिक भी एक ही दिन में हो जाएगा इन ठीक है फिर कुछ दिन बाद कुछ क्लासेस बाद हम एराब में आएंगे और फिर जब आपके ये चारों चीजें मुकम्मल हो जाएंगी वसत एराब जिन्स और अदद उसके बाद आप एक जुमला इस्मिया बना पाएंगे प्रॉपर जुमला इसमिया आप बना पाएंगे और इनशाला वो बहुत इजी है बहुत आसान है कुछ क्लासेस बाद आप बनाना शुरू कर देंगे इनशाला ठीक है बस इस्तकामत बनाए रखें रेगुलर क्लास में रहें और अगर आप ऐसा करेंगे हफ्ते में दो दिन की क्लास में भी बीच में छुट्टियां कर लेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको समझ, समझ आना और एक काम और जरूर करा करें कि क्लास के बाद ये जो रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पर डली हुई होती है रिकॉर्ड होती है क्योंकि लाइव चला रहे होते हैं तो ये रिकॉर्ड हो जाती है यूट्यूब पर तो आप इसको जरूर सुना करें क्लास के बाद ठीक है पूरे दिन में जब भी आपके पास फुर्सत हो तो या हफ्ते में क्योंकि आपके पास दो दो दिन की क्लास होती है बाकी पूरा हफ्ता क्लास नहीं होगी तो अब आपको क्या करना है ये जो आज दोनों क्लासेस हुई है आज और कल अब आपको पूरे हफ्ते इसको याद रखना है ठीक है एक दो दिन बाद इसको सुन लीजिएगा इस रिकॉर्डिंग को ताकि आप भूले ना और फिर अगले हफ्ते आए तो और जोश के साथ आइए कि नहीं अब पुराना वाला टॉपिक हमारा मुकम्मल है इन ठीक है और जो छुट्टी हो जाए और कभी ऐसा होता है कि मजबूरी हो जाती है हम नहीं ले पाते क्लास तो पूरे हफ्ते जब भी आपके पास टाइम हो ज़रूर उसको फिर रिकॉर्डिंग सुनकर वहीं के वहीं कवर कर लें तो इनशाला फिर देखें कि तीन चार महीने बाद इनशाला आप सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देंगे जुमला इसमिया भी और जुमला फेलिया भी इनशाला आप बनाना शुरू कर देंगे और कुरान को समझना शुरू कर देंगे ठीक है वाखिरबमी सुबहना बनतुबिल्ख सुबह रबी का रब्जती अम्मा यसिफून व्लामसली रबीआल रमीन असलैक्म वबरक़ाक खैरा कसीरा इजी लग रही है ग्रामर पहले मुझे बताएं लीव करने से पहले मुश्किल तो नहीं लग रही इजी लग रही है अब ग्रामर क्योंकि बहुत सारे लोग डर जाते हैं ग्रामर से शुरू शुरू के दो दिन तो मुश्किल लगी लेकिन कोई बात नहीं वो मुझे डराना था थोड़ा सा आप लोगों को ठीक है लेकिन अब इनशाला नहीं डराऊंगी आप लोगों को अब इजी लगेगी अब थोड़ा सा इजी लेकर चलूंगी अब उसमें ये होता है ना पहले तो बहुत सारी भीड़ आती है एकदम से लोग आना शुरू होते हैं और फिर जब उनको जब वो थोड़ा सा उनको लगता है ना मुश्किल है और फिर घबरा जाते हैं दो क्लासेस शुरू की क्लासेस में तो सिर्फ लोग घबराते हैं और फिर भाग जाते हैं बचते कौन है इस्तकामत इस वाले बचते हैं तो बस अब आप लोग जो है इस्तकामत रखिएगा डटे रहिएगा और आ, तीन से साढ़े तीन पौने चार थोड़ी सी क्लास होती है और पता भी नहीं चलेगा आपको कैसे अरबी आ जाएगी इनशाला ठीक है चले जजाकल्ला खैर असलामैक्म वरहत लि वरकू Uh, है ना क्लास को